हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज लेकर आई। जी हाँ, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है, तो ये आप लोगों के लिए है। जी, रिटेल मॉल में जॉब ओपनिंग्स हैं 2022 रिक्रूटमेंट, जो कि 10वीं और 12वीं पास लोगों को हायर कर रहे हैं। रिटेल मॉल में सेल्स, गर्ल्स, बॉयज और काफी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए मॉल में नौकरी करने के लिए, जी क्या स्किल्स होने चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, आपको कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, मेरे साथ बने रहेगा वीडियो की एंड तक, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिटेल मॉल जॉब ओपनिंग 2022 फॉर 10th एंड HS पास कैंडिडेट्स। जी हाँ, 10वीं पास और HS पास कैंडिडेट के लिए है ये जॉब, रिटेल मॉल जॉब ओपनिंग 2022 में। नीचे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मॉल के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया है, क्या क्या कवर करूँगी ये भी बताया है, और इसे ध्यान से आराम से पढ़िए ज़रूर। नीचे डिटेल में बात करते हैं अप्लाई मोड। यहाँ पे अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन मोड, कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, आपको इसमें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है। सेल्स बॉयज और गर्ल्स की निकली है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की है, कैशियर की है, स्टॉक एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, वेयरहाउस एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट, कस्टमर सर्विस डेस्क, विजुअल मर्चेंडाइजर, गेट कीपर की भी यहाँ पे वैकेंसी है। जी हाँ, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की है, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तरह की वैकेंसी अवेलेबल है, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सेल्स बॉय, कैशियर तक। जी हाँ गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी लोकेशन पर है। गाइज, आप जो है ये पैन इंडिया में कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट लोकेशन के पास भी आपको मिल सकती है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप नियरेस्ट बाय दिल्ली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। भोपाल के रहने वाले, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, कहीं पे भी रहने वाले हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग की, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगा आपका, 8 से 12 घंटे तक का। जी हाँ, 8 से 12 घंटे का आपका ड्यूटी टाइमिंग है, और वीक में एक ही आपको वीक ऑफ मिलेगा, हर हफ्ते में एक आपको वीक ऑफ मिलेगा, 8 से 12 घंटे की आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी यहाँ पे। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसे, आप इंडिया के कैंडिडेट, आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट के नोटिफिकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। एज लिमिट क्या बात करते हैं, तो 18 साल कम से कम आप होने चाहिए और 50 साल मैक्सिमम एज है यहाँ पे। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ओबीसी 3 साल रहेगा, एससी एसटी 5 साल और एक्स सर्विसमैन 10 साल। गाइज, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको कोई भी नहीं देनी है, 100% फ्री फॉर ऑल कैंडिडेट्स है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन सैलरी की, पैकेज आपको क्या प्रोवाइड करेगी कंपनी। यहाँ पे 8,500 से लेकर 65,000, जी हाँ, आपको सैलरी मिल सकती है। और यहाँ पे लिखा भी है, जब कोई व्यक्ति रिटेल सेक्टर में काम करता है तो उसके काम करने के अनुसार वो अच्छा सैलरी दिया जाता है, वह जिसे ओहदे पर काम कर रहा है उसके लिए काम और अनुभव के अनुसार अच्छा वेतन दिया जाता है। सो गाइज, ये आपको सैलरी मैंने आपको बता दी है कि सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और होगा आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। जी हाँ, इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख चेक कर सकते हैं। अब एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में आप 8वीं पास भी हैं तो भी चलेगा। जी हाँ, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, और एक वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के आप पास आउट होने चाहिए। गाइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, और इसके लिए फीस कोई एप्लीकेबल है या नहीं है, कौन कौन सी पोस्ट निकल कर आई है और कौन कौन सी लोकेशन पर है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप उसे क्लिक करके जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती रहूं। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।